नमस्कार। अभी हम खड़े हैं बगा एक प्रखंड के सलाहा बरियरवा पंचायत के झरमुही गांव में, जहां शुक्रवार को जो आंधी आई है वो एक तिनके की तरह यहां पर एक जो पशुपालन के लिए बनाया गया था, गोटरी फार्म बनाया गया था और डेयरी फार्म के लिए जो यह सेटअप तैयार किया गया था उसको तिनके की तरह बहा ले गई है। यहाँ पर जो यहाँ के जो ऑनर है वो बता रहे हैं कि करीब 40 लाख रुपए की लागत से यह सेटअप तैयार किया गया था और इसमें उनका जो है बहुत बड़ा काम करने का जो है तैयारी चल रहा था। इसमें उन्होंने जो प्लान किया था करीब 40 से 50 मजदूरों को काम देने का भी जो है इसमें प्लान तैयार किया था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो सेटअप तैयार हुआ था वो 40 लाख रुपए की लागत से यह सेटअप तैयार किया गया था, जिसमें यहाँ पर बकरियों की जो है बकरी पालन करना था और यहाँ पर गौ पालन करना था। डेयरी फार्म और गोटरी फार्म दोनों यहाँ पर बनाई गई थी जो बनकर लगभग तैयार थी और इसको शुरू करने का जो है प्रक्रिया चल ही रहा था कि अचानक कि कोई काल बनकर जो शुक्रवार की शाम को जो आंधी आई है वो तिनके की तरफ जो यह बिल्डिंग्स बनाई गई थी, जो लगाया गया था यहाँ पर घर बनाया गया था, उसको यहाँ से जो है एक तिनके की तरह उठा ले गई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। और यहाँ के जो संचालक हैं उनसे हम बात करेंगे कि कितनी भारी क्षति हुई है और आगे जो है उनका क्या सोच है और आगे अब क्या करेंगे, हम उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? जुनैद इकबाल। यह जो सेटअप आपने तैयार कराया था, जो बता रहे थे आप 40 लाख रुपए की लागत से जो गोटरी फार्म और पशुपालन के लिए, तो यह तो आंधी में टोटल बर्बाद हो चुका है, आगे क्या सोच रहे हैं? आगे अब क्या सोचे, पूरी हिम्मत जिस हिम्मत से साथ हम काम शुरू किए थे कि भाई 40 लाख रुपए तो अभी तक तो लगा चुका हूँ, 10-20-25 मजदूरों को यहाँ पे रोजगार दूंगा। जिस हिसाब से कोरोना काल चला और विदेश में मैं नौकरी करता था, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ, कि मैं छोड़ के आया कि अब अपने गांव में ही कुछ किया जाए। अच्छा, कोरोना काल में आप विदेश छोड़ के आए थे यहाँ पे काम करने के लिए? गांव में ही कुछ काम किया जाए, कुछ लोगों को रोजगार दिया जाए, हमको भी फायदा हो उस चीज़ों से। और उसी हिसाब से मैंने सोचा कि पशुपालन विभाग में कदम रखा जाए, गोटरी और डेयरी फार्म काम किया जाए। उसी सोच और उसी सपनों के साथ मैंने काम शुरू किया और काम सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मेरे हिसाब से सपनों के हिसाब से चलता रहा। सब कुछ लगभग तैयार हो चुका था, माल और जानवर खरीदने की बातें चल रही थी, अब अभी इस बात इसमें जानवर डाल दिया जाए, कारोबार शुरू किया जाए। अब यही था कि अब सब कुछ चलने के बाद अब पता नहीं शुक्रवार को एक ऐसा काल बन के जो आंधी आई, मेरे सपनों को सब ख़त्म कर दिया, जो हमने सोचा था कि भाई अब इससे आगे मुझे बढ़ना है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब आपके सामने सब कुछ दिख रहा है कि सब कुछ छत विछत हो चुका है। सब आगे क्या सोच रहे हैं, सरकार से क्या उम्मीद लगा के बैठे? यही उम्मीद लगा रहा हूँ सरकार से कि सब कुछ आँख के सामने है, सरकार मेरी कुछ मदद करे। हिम्मत तो टूट चुकी है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, जिस सपनों से रात बढ़ा हूँ मैं सपना चाहूँगा मेरा पूरा हो, सरकार मेरे पीछे थोड़ा मदद के लिए आए और मेरी मदद। आपने जो ये सेटअप तैयार किया था लगभग कितने? 22 कट्ठा जमीन में ये सेटअप है। 22 कट्ठा में आप? जी, अब मेरी प्रॉपर्टी जो थी मैं तो इसमें लगा चुका हूँ, कुछ प्रॉपर्टी थी जिसको बेच के जो मेरा था उसको बेच वेच के सब मैं लगा दिया हूँ इसमें। अब तो मेरे पास कुछ रहा नहीं है, अब मुझे पता नहीं था कि ये हालात भी देखना पड़ेगा मुझे। अब सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार मुझे कुछ इसमें कुछ मदद करे, मुझे हेल्प करे। तो जैसा कि आपने देखा कि जावेद इकबाल साहब का कहना है, जुनैद इकबाल साहब का कहना है कि ये जो विदेश में लैब टेक्नीशियन की नौकरी करते थे और कोरोना काल में वो नौकरी छोड़कर ये अपने घर आए और इन्होंने जो है यहाँ पर ही कारोबार करने का जो है अपना प्लान बनाया और यहाँ पर 40-50 लोगों का जो है रोजगार देने का जो है प्लान बनाया, लेकिन जो आंधी आई है शुक्रवार की शाम में वो इनके सपनों की काल बनकर आई है। जो एक तिनके में जो है टोटल जो है यहाँ की जो सेटअप तैयार किया गया था वो उड़ा ले गई है, जिसमें इनका करीब से 40 लाख रुपया के करीब जो है इनका लॉस हुआ है। और कहीं ना कहीं इनका जो सोच था कि यहाँ गांव में ही रह के जो है रोजगार किया जाए और गांव के लोगों को जो है प्रोत्साहन दिया जाए, जिस प्रकार से यह झरमुही गांव है, मैं आपको बता दूं कि झरमुही गांव जो है यह मसान की गोद में बसा हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है मसान से हजारों एकड़ खेत की भूमि जो है वो कटाव में और बाढ़ के चलते जो है यहाँ पर नुकसान हो जाता है, यहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती है, यहाँ के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। उस हालात में इन्होंने इस सुदूर क्षेत्र में 40 लाख रुपया इन्वेस्ट करके अपने निजी जमीन में
जो भी इनका प्रॉपर्टी था बेचकर कर्जा लेकर यह सेटअप तैयार कराया था, किंतु सपना जो है इनका सपना ही रह गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आंधी बर्बाद की है इनके घर को, जो उजाड़ ले गई है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि काफी दूर दूर तक जो इसके छप्पर है उड़े हुए हैं। हम यहाँ जानेंगे जो इनके संचालक हैं, एक संचालक जो इनके भाई साहब हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि कितना दुख है और ये कैसे हो गया। सर, क्या नाम है आपका? दुर्रेज इकबाल। यह इतना बड़ा जो हादसा हो गया, जो कुदरती मार इसको कहेंगे, तो अब कैसा इस समय आप लोग क्या सोच रहे हैं? मन बहुत दुखी है, क्योंकि व्हाइट कॉलर जब दोनों भाई मिलकर छोड़ के आए थे, इनका सपना था कि इसको आगे बढ़ाया जाए, कुछ अपने ही गांव में किया जाए। कब तक विदेश की नौकरी करेंगे? हम भी बाहर रहते थे, हम भी छोड़ छाड़ के आए हैं। आप कौन सा काम करते हैं? मैं इसमें हूँ, क्वेंडम में था, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, कुवैत में था 5 साल से, 2016 से लेकर अभी तक था, छोड़ के मैं भी कोरोना में ही आया हूँ। फिर हमने ये बिल्ड किया इस सपने के साथ कि इससे आगे बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। सब कुछ सही हो रहा था, परेशानी आई बीच बीच में, उसको भी आदमी रिकवर करते चला। सब कुछ तैयार होने के बाद कल शाम को जो आफत आई है, वो सब कुछ तिनके के साथ बाहर। इतना नुकसान? लगभग 40 लाख रुपया गया, 35 से 40 लाख रुपया हम लोगों का इसमें लगा था। जो प्रॉपर्टीज थी हमने सेल करके इसमें लगा दिया था। चलो, क्या सोच रहे हैं आगे? सोच रहे, हिम्मत नहीं आ रहे हैं। सरकार से अगर कुछ मिल जाता है, मदद मिलती है, तो इसको फिर अपने बेशक अपने सपने। तो देखा कि इनके संचालक के जो भाई हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार थोड़ी सी भी मदद करती है तो हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, फिर से हम लोग खड़े होंगे इस बिजनेस में, और फिर से जो इनके जो सपने हैं गांव में एक रोजगार पैदा करने के लिए, जो यहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं इनका जो सपना है, हिम्मत है, अभी वो टूटा नहीं है। यह जो है सरकार की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार की तरफ से अगर कोई मदद मिलती है तो फिर से यह अपने पैरों पर खड़े होंगे और इस गांव को और इस यहां के नौजवान, यहां के जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देंगे और इस गांव के नाम और जो है इस क्षेत्र और ब्लॉक का नाम जो है आगे लेकर जाएंगे, ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। बगहा से पटना न्यूज 24 के लिए शुभानंद अंसारी।